असल में व्यूअर्स, मेरा नाम है अब्दुल राब, दो देख रहे हैं अब्दुल। तो अपने अपडेट्स को शुरू करते हैं गंथर से। तो जो हमारे गंथर हैं उनके लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाले हैं उसको लेकर अपडेट है। तो बूजर रेसलिंग की तरफ से अपडेट है और भी कई सोर्सेज की तरफ से मिलकर अपडेट है। जो हमारे गंथर है वो कौन से नेक्स्ट अपोनेंट होने वाले हैं, कौन से नेक्स्ट उनके चैलेंजर होने वाले हैं जिनको वो फेस करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो नेम किसका, तो नेम मैं आपको बता देता हूँ, वो नेम काफ़ी सरप्राइजिंग है, वो है ब्रॉन्सन रीड। यस, अब सुना होगा दोनों करने बहुत ज्यादा। जो हमारे ब्रॉन्सन रीड है वो यहाँ पे नेक्स्ट चैलेंजर बताए जा रहे हैं गंथर के लिए, क्योंकि गंथर जो है वर्सेस ब्रॉन्सन रीड इज मच प्रेफरेबल फॉर WWE। और WWE फैसला कर रही है कि जो हमारे ब्रॉन्सन रीड है वर्सेस जो हमारे गंथर है उन दोनों का मैच करवाया जाए। तो ब्रॉन्सन रीड जो है हमारे वो यहाँ पे नेक्स्ट चैलेंजर होने वाले हैं गंथर के। हमारी अगली अपडेट है वो हमारे रोमन रेंस को लेके, कि रोमन रेंस का फ्यूचर क्या आने वाला है, क्या रॉयल रंबल और उनके अपोनेंट्स क्या है वो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको कुछ रूमर नाम बताने वाला हूँ। तो रोमन रेंस के जितने भी अपोनेंट उनके नाम बता देता हूँ मैं। तो हमारे रोमन रेंस आ रहे हैं आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। हमारे रोमन रेंस पहला मैच कम्पीट करेंगे आफ्टर दिस लॉन्ग टर्म ब्रेक। वो है क्राउन जूल के अंदर। क्राउन जूल के अंदर किसके अगेंस्ट करेंगे, दो ऑप्शंस हैं, एले नाइट या फिर एजे स्टाइल्स। दोनों के यहाँ पर इन दोनों के अगेंस्ट या तो कंपीट करेंगे वो एक मैच के अंदर, या तो फिर चैंपियनशिप के लिए, या तो फिर इन दोनों के अलावा कोई भी एक में रेसल करेंगे। हमारा नेक्स्ट मैच आ जाता है, नेक्स्ट पेपर भी हो जाता है, वह हमारा सर्वाइवर सीरीज। और सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन रेंस मोस्ट प्रोबेबली या तो एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच लड़ेंगे, या तो वो एक वॉर गेम्स मैच लड़ेंगे जो हमारे अगला मैच है। तो ये कुछ मैचेस हैं, उसके बाद फिर आ जाता है हमारा रॉयल रंबल। तो जो हमारा रॉयल रंबल है उसके अंदर भी रोमन रेंस कंपीट करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उसके अंदर रोमन रेंस काफ़ी बड़े बड़े अपोनेंट्स को फेस कर सकते हैं। इस तरह मैं आपको बता सकता हूँ, जॉन सीना तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, जॉन सीना तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े अपोनेंट्स फेस करने वाले हैं रोमन रेंस, और फिर उसके बाद क्या पता कोई ब्लड लाइन के साथ किसी मेंबर के साथ क्लैश कर लें। और जब हमारे रोमन रेंस फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लड लाइन क्लैश करते करते उसके अंदर दराक हो जाएंगे, और दराक से रोमन रेंस और कहीं ना कहीं बीच में एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कोडी रोड्स पे कहने के अपना कोई स्पॉट बनाने के। तो ये कुछ अपडेट लेकिन कर सामने आ रही जो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ, क्योंकि जो रोमन रेंस है उनके बड़े बड़े अपोनेंट्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मतलब छोटे अपोनेंट नहीं आने वाले, क्योंकि स्टैक लाइन बड़ी है और वक्त कम है रोमन रेंस के लिए। तो रोमन रेंस को टाइटल अब आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा रिफेंड करेंगे। रोमन रेंस के जो ब्रेक है जितने भी खाली रेप उन्होंने जाना था वो ख़त्म हो गया, अब काम की बारी है। अगली अपडेट है वो सेथ रॉलिंस को लेके। तो सेथ रॉलिंस का एक बहुत बड़ा बड़ा बॉच के बॉच नहीं कह सकते बिल्कुल भी, लेकिन अब WWE की तरफ से एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे स्पॉइल हो गई, एक्सपोज हो गई, वो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जब वो इन दोनों का मैच हुआ था, हो रहा था, जब सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा मैच के दौरान वो ऊपर से खड़े हुए थे, मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ, आपको समझ आ रही होगी। तो शिंसुके नाकामुरा ने उस ऊपर से यहाँ पे सेथ रॉलिंस को फेंका था, सामने कैमरा से ऐसे लग रहा था कि सेथ रॉलिंस की बहुत हार्श लैंडिंग हुई है, लेकिन एक साइड के एंगल से यहाँ पे एक फ़ैन ने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर उसने ये रिकॉर्ड किया। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो एक बिल्कुल मैट्रेस की तरह उसने बिल्कुल उससे फेंका और वो बिल्कुल बाउंस होकर बिल्कुल ऊपर आया। तो आप लोगों को पता नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा होगा इस तरह की पिक्चर्स के अंदर नहीं, लेकिन ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ है और ये इंजरीज से नहीं होती। तो और ये बिल्कुल भी हार्श लैंडिंग नहीं हुई थी सेथ रॉलिंस की, जैसे वो कूदे थे बिल्कुल ऊपर नीचे बाउंस हुए, तो उसे ये पता लगता है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ थी। और जो हमारे सेथ रॉलिंस हैं उनके जो बैक इंजरी है उसको भी WWE देख दिया है। तो ये एक्सपोज नहीं कह सकते, ये एक अच्छी चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि WWE से ये पता चलता है कि WWE कितनी ज़्यादा हमारे रेसलर्स की केयर करती है इनकी इंजरी के बारे में, स्पेशली सेथ रॉलिंस की इंजरी, क्योंकि इनकी इंजरी कितनी बड़ी है आपको पता ही, कमर की। उन्होंने ऑलरेडी कहा भी कह भी चुके अपने रिसेंट के इंटरव्यूज़ के अंदर कि जो हमारे ये जो इंजरी है मेरी वो यहाँ पे करियर थ्रेटनिंग भी है, तो होप फॉर द बेस्ट। बाकी सेथ रॉलिंस होप है कि जल्दी रिकवर कर जाएं इस इंजरी से। हमारी अगली अपडेट है वो फास्ट लेन को लेकर। तो हमारा फास्ट लेन है अब वो बैक स्टेज का रिएक्शन है फैसले को लेकर, तो मैं वो आपको बता दूँ फटाफट से। हमारा बैक स्टेज रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेटिंग्स मिली है बैक स्टेज से, फैंस भी काफ़ी ज़्यादा खुश है फैसले के पेपर से, जिस तरह उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरीके का शो होगा, लेकिन अगेन अच्छा शो था, मज़े का शो था हमारे, हमें भी बहुत मज़ा आया, अच्छा अच्छे मैचेस थे, मुझे भी बहुत मज़ा आया था फैसले देख के। वैसे तो बहुत अच्छा शो था और ओवरऑल बहुत रेसलिंग वैसे बिल्कुल ही अच्छा था। एंडिंग में फैंस थोड़े से कंसर्न है, थोड़े से यहाँ पे गुस्से हैं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट नेम वेंट गुड अकॉर्डिंग टू बैक स्टेज एंड फैंस। हमारा जो अगली अपडेट है
वो हमारी बेसिकली जुड़ी है ड्रैगन लीग को लेके। तो जो हमारी ड्रैगन लीग है उनको अब कॉल अप कर दिया गया है स्मैकडाउन के लिए। ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, जो हमारी ड्रैगन लीग है वो कॉल अप कर चुके हैं यहाँ पे स्मैकडाउन के ऊपर। उन्होंने ये कि कोई कंफर्मेशन नहीं है WWE की तरफ से, लेकिन मैं आपको ज़रूर प्रूफ दिखा देता हूँ सामने WWE एडवर्टाइजिंग लिस्ट में यहाँ पे ड्रैगन लीग को डाल के ये स्मैकडाउन के ऊपर। तो उन्होंने मैच रेसल किया था रिसेंट के मंडे नाइट रॉक के अंदर डोमिनिक मिस्त्री के अगेंस्ट, जिसका रिएक्शन काफ़ी अच्छा आया था, इस वजह से अब उनको स्मैकडाउन के अंदर ट्रेड कर दिया गया। तो ये कुछ अपडेट लेकर सामने आ रही है ड्रैगन लीग को लेकर, जो हमारे ड्रैगन लीग है वो अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर होने वाले हैं, उनको ट्रेड कर दिया गया है। हमारी जो फाइनल अपडेट है वो है फायरफ्लाई फन हाउस ब्रे वाइट को लेके। ब्रे वाइट के फैंस के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि ब्रे वाइट तो आज हमारे बीच में है नहीं, लेकिन फायरफ्लाई फन हाउस को WWE बहुत ज़्यादा प्लान करी है। फायरफ्लाई फन हाउस वाइट सिक्स को बिल्कुल WWE प्लान करी है, और आपको लिटरली कभी भी ये मैच यहाँ पे ये आपको देखने को मिल सकता है। आपको लिटरली कभी भी फायरफ्लाई फन हाउस और यहाँ पे वाइट सिक्स की फैक्शन और अंकल हाउडी, ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे। WWE बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करी है अब इस चीज़ को, विच इज़ अ गुड न्यूज़, विच विल बी अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू ब्रे वायट। बाकी इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट्स थी फायरफ्लाई फन हाउस, अंकल हाउडी और यहाँ पे वायट सिक्स के ऊपर ज़्यादा पहले से ध्यान दिया जा रहा है, और ये आपको काफ़ी सारी जल्दी आप कभी भी आपको देखने को मिल सकती है WWE के अंदर। ये कुछ अपडेट लेकर सामने आ रही है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। बाकी मैं अपने आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन टिल देन गुड बाय, टेक केयर।